हेलो गाइस, मैं अरविंद आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ जिसका नाम पिज़्ज़ा लवर हाई फ्लाइंग्स है। और मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पेपर चल रहे थे और मैं वैक्सीन लगवा लिया हूँ जो फर्स्ट डोज है, इसीलिए मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, इसीलिए मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो फिर से मैं आपको अपने चैनल पर फिर से स्वागत करता हूँ और अब नई वीडियो बनाता हूँ। तो आज मैं एक बहुत बढ़िया टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूँ कि आप बच्चे किस टाइम पर पलवाएँ। बच्चे आपको ठंडी में पलवाने हैं तो आपके बच्चे बहुत हेल्दी और मस्त बच्चे पलेंगे और स्ट्रॉन्ग बच्चे पलेंगे और उड़ान के भी सही रहेंगे। और आपको ठंडी में अगर आप बच्चे पलवा रहे हो तो ठंडी में आपको उड़ाना नहीं है, क्योंकि अगर ठंडी में उड़ाओगे तो धुंध होती है तो उसमें बच्चे उड़ जाते हैं ऊपर, तो ऊपर बादल होता है तो बादलों में खो जाते हैं और वो कहीं और पहुँच जाते हैं। कबूतर की कोई गलती रहती है, क्योंकि पंजाबी नस्ल के जो होते हैं तो वो कबूतर छत के ही होते हैं। गाइस मैं कह रहा था जैसे कि बच्चे जो गाँव में पानी करते हैं जो पंजाबी नस्ल के होते हैं, तो गाइस तो पहली बात तो ये आपको जोड़ जो बिठाना है, तो अगर पंजाबी कबूतर का बिठाओ चाहे देसी कबूतर का बिठाओ, तो आपको जो जोड़ रखना है तो उसका जो नर होता है नर वो थोड़ा बड़ा साइज में होना चाहिए और कबूतरी थोड़ी छोटी साइज में होनी चाहिए, तो बच्चे उड़ान के निकलेंगे। नहीं तो अगर आप दोनों अगर बड़े बड़े साइज में रखोगे तो कबूतर उड़ने लायक नहीं बनेंगे, सही उड़ान के नहीं निकलेंगे, थोड़े भद्दे से होंगे, बड़े बड़े से रहेंगे और सही नहीं उड़ान देंगे। इसीलिए आपको कोशिश करना है कि आपके कबूतर थोड़े साइज में बड़े हों और जो कबूतरी हो वो थोड़ी छोटी हो। और आप ध्यान रखना पंजाबी कबूतर की कि अगर आपको जोड़ बैठाना है तो कबूतरी के पीछे में थोड़ा गड्ढा होना चाहिए, तो वो अच्छे बच्चे पालेगी और मस्त उड़ान के बच्चे काटेगी, और ऐसी कबूतरी आपको लाना है। और फिर मैं चलो गाइस अब कबूतर की पेटी खोलता हूँ। और प्लस में आपको जो बच्चों को दाना देना है वो आपको हमेशा बाजरा ही देना है, जो आप जोन से पेड़। तो जैसे गाइस मैं बाजरे के ऊपर बता रहा था कि मतलब बच्चों को बाजरा देना है, लेकिन गाइस जो बाजरा देना है तो गर्मी का एक मैंने वीडियो बनाया था कि बाजरे को बुला के देना है ताकि वो उसकी जो गर्मी है वो निकल जाए, तो कबूतर कोई प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो दाने उन्हें निकल जाते हैं। लेकिन ठंडी में आपको धोना नहीं है, उसको धो के नहीं देना है, क्योंकि उससे धो दोगे तो आप उसकी गर्मी निकल जाएगी। ठंडी का दिन है वैसे भी, कबूतर बहुत ठंडी होती है वैसे, तो आपको ऐसे ही देना है ताकि बाजरा उसको गर्म करे, तो कबूतर थोड़े बच्चे जो खड़े वो थोड़े स्ट्रॉन्ग खड़े। और आपको जो कबूतरों को है वो हमेशा बाजरा ही देना है, क्योंकि बाजरा ही जो टूर्नामेंट हो चाहे बाजी के लिए हो कबूतर, उनको अधिकतर बाजरा ही दिया जाता है। और गाइस फिर ज़्यादा देर तक करते हुए ना हुए मैं पेटी खोलता हूँ, फिर कबूतर को दाना चुगाते हैं उसके बाद और आगे फिर बात करते हैं। गाइस हमारी एक छोटी सी पेटी है मैं थोड़े बहुत कबूतर हैं जुगाड़ बना है दाना खिलाने के लिए कबूतरों के लिए। अगर आप कबूतर को पानी पिलाते हो तो उसके ऊपर कुछ ऐसा टाइप का पट्टा उठा रख दिए रख देना चाहिए, नहीं तो कबूतर जो है उनमें नहाने लगते हैं, तो उसके बाद दूसरे कबूतर जो पीते हैं तो कबूतर को बीमार हो जाते हैं और प्रॉब्लम होता है। और गाय जैसे कि आपको एक बच्चा दिखवा दिखाने वाला हूँ जो मैंने उसी प्रकार से पलवाया है, जो मैंने आपको बताया है ये वो बच्चा है जो मैंने आपको बताया बाजरा देना है, उसी प्रकार से पलवाया इस बच्चे को और पानी पूनी दिया है। देखिए फ्रेंड्स कितना हेल्दी बच्चा निकला है और स्ट्रॉन्ग बच्चा है। इसकी वीडियो आने वाली है जो कितने दिन में ये बड़ा हुआ है बच्चा, अभी तो ऐसे इसकी पूरी वीडियो नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको ये बच्चा दिखा रहा हूँ, बच्चे की शौक है। देखिए फ्रेंड्स क्या मस्त बच्चा निकला है। तो गाइस जैसे कि सारे कबूतर खुल गए हैं, सब दाना खा रहे हैं, सुबह से भूखे हैं। अब फ्रेंड आपको भी ऐसे ही करना है कि एक टाइमिंग बनानी है कबूतरों की, कि एक टाइमिंग दाना चुगाना है, इससे कबूतर की उड़ान भी बढ़ती है और उनको पता रहता है कि हमको एक ही टाइम दाना मिलेगा, तो काफ़ी समय तक उड़ते हैं। और गाइस बाजरा तो देना है, तो आप ठंडी चल रही है तो आप काला चना भी दे सकते हो बिना फुला के, उससे भी बहुत प्रोटीन मिलेगी इनको और बच्चे सही से पालेंगे। और ये बच्चा देखिए गाइस कितना मस्त है ये बच्चा, अब इसकी वीडियो आने वाली है। और गाइस मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और जो नए जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की हमको बहुत ज़रूरत है। तो गाइस अलविदा लेता हूँ।